बहुत अच्छी इनकम है, इनके सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। आप साइकिल ले लेते हैं 50-60 pounds की, ट्यूशन फीस जो है उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन, या फिर आप पूरी भी ट्यूशन फीस भर सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी टू यूके, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। गर्मियों का एहसास होने लगा है भाई, गर्मी आ गई है, तो चलिए आप लोग को भी लेके चलता हूँ मैं। आज जा रहा हूँ मैं पार्क बेटू को लेके, और आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। आज मैं डिस्कस करूँगा कि यहाँ पर स्टूडेंट जैसे आते हैं तो उनको जॉब नहीं मिलता, स्ट्रगल करते हैं, तो कौन सी जॉब से स्टार्ट करें, और हाईएस्ट पे जॉब्स कौन सी हैं यहाँ पर जिसमें आप 15 pounds तक कमा सकते हो, और अपनी फीस ट्यूशन फीस जो है उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन, या फिर आप पूरी भी ट्यूशन फीस भर सकते हो उससे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर वीडियो को आप पसंद करें तो उसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मैं चैनल पर फर्स्ट टाइम आया उनको बता दूँ, मेरा नाम विवेक मसीह है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूँ, इस टाइम यूके में हूँ, और मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। आज मैं बात करता हूँ जो स्टूडेंट आते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, तो उनको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो एकदम न्यूली शिफ्ट होते हैं। देखो जिनके फ्रेंड्स वगैरह हैं या फैमिली है ऑलरेडी, उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जिनका कोई नहीं है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो मैं उनकी बात करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जैसे आप स्टूडेंट लैंड होते हैं आप यूके में, जैसे आप यूके में लैंड हो गए, उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना एक तो नेशनल इंश्योरेंस, उसकी वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि आपको कौन कौन से काम करने हैं यूके में लैंड होने के बाद। नेशनल इंश्योरेंस वगैरह के लिए अप्लाई कर देना है, अपना बीआरपी कलेक्ट कर लेना है, और अकाउंट के लिए अप्लाई कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप ये सब कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना CV तो जो है, आप जहाँ से भी आ रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह से जहाँ से भी आ रहे हैं, अपना CV लेकर आइए साथ में, कम से कम 10-15 कॉपी लेकर आइए CV की साथ में, क्योंकि यहाँ पर आप प्रिंट निकालेंगे तो थोड़ा हो सकता है महंगा पड़े आपको। तो आप CV लेकर आएंगे अपने साथ, तो उसमें क्या है, आप डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको पहले CV प्रिंट करवाना पड़ेगा, शॉप ढूंढना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आप CV लेकर आएँ अपने साथ थोड़े। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे स्टूडेंट आते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। उनको सबसे पहले जो जॉब है वो है, जो मैंने दो कैटेगरी बनाई है, एक तो बिल्कुल जो रिसेंटली एकदम लैंड होते हैं उनको कौन सी जॉब करनी चाहिए, और जिनको एक या डेढ़ दो महीना हो जाता है उनको कौन सी जॉब करनी चाहिए। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है मेरी, जो सबसे एकदम लैंड होते हैं यूके में आए होते हैं, 10 days होते हैं, उनको कौन सी जॉब सर्च करनी चाहिए, कहाँ अप्लाई करना चाहिए। देखो अप्लाई तो सब जगह ही करो जहाँ आप लोगों को करनी है, लेकिन जहाँ आपको ईजिली मिल जाएगी मैं वो बताता हूँ। जो ऊबर ईट्स वगैरह है, इसमें अगर आप साइकिल ले लेते हैं 50-60 pounds की फेसबुक मार्केट प्लेस से, वो साइकिल लेके आप जॉब स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप दूसरी जॉब है, आप जो ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह हैं वहाँ पे आपको बहुत इजीली जॉब मिल जाएगी। ग्रॉसरी स्टोर जाइए आप, वहाँ पे अपना CV दे आइए, उनके पास जैसी वैकेंसी होगी तो आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपको कितना पेमेंट मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा लगभग 8-10 pounds तक, वो डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है, 22 साल की एज में, तो उसमें जो है इनका पे रेट जो है वो थोड़ा कम रहता है, आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप इससे ऊपर है आपका तो फिर आपको ठीक ठाक पे रेट मिल जाएगा, आपको लगभग 10 के आसपास मिल जाएगा। तो ये जॉब जो है बहुत इजीली मिल जाएगी आपको, अप्लाई करोगे आप जितने भी आपके ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह हैं सब में जाकर अपना CV दे आइए आप। ठीक है, उसके बाद दूसरी कैटेगरी है, जब आपको एक आधा महीना हो जाता है उसके बाद आपको कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद आप करो
देखो वेयर हाउस हैं, वेयर हाउस में अप्लाई कर सकते हो आप। वेयर हाउस में ठीक ठाक पे रेट मिल जाता है, 10 पाउंड तक मिल जाएगा आराम से आपको, 10.5 पाउंड तक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, आप जो है SIA बैच के लिए अप्लाई करो। SIA बैच के कैसे बनता है, ये बहुत सारी वीडियो हैं YouTube पे, आप चेक कर सकते हो। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं भी बता दूंगा आपको कैसे बनाना है उसको, ठीक है। SIA बैच के लिए अप्लाई करो, क्योंकि SIA बैच अगर आपको मिल गया तो आप जो है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर सकते हो, जिसमें बहुत सारी बहुत अच्छी इनकम है। बताते हैं कि आपको 11-12 पाउंड तक भी मिल जाएगा, 13 पाउंड तक भी मिल सकता है, तो काफ़ी अच्छा पे रेट मिलता है उसमें। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जो है नेक्स्ट है वो है आपका आपका CSCS कार्ड। अगर आप CSCS कार्ड बनवा लोगे तो उससे आप जो है कंस्ट्रक्शन की जॉब कर सकते हो, है ना। कंस्ट्रक्शन की जॉब में यहाँ भाई बताते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, और स्टूडेंट मोस्टली कंस्ट्रक्शन की जॉब ही करते हैं, तो उसमें आपको 14-15 इतना पाउंड आपको ईजिली मिल जाता है, ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्शन की जॉब बहुत ईजिली कर सकते हो। तो ये सारी जॉब हैं जिसमें आप इजीली पैसा अर्न कर सकते हो, बढ़िया कमा सकते हो। केयर होम्स में जॉब्स रहती हैं, उसमें भी आपको 10.5-11 पाउंड तक मिल जाता है, उसमें भी आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ यहाँ पर जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा करते हैं वो है कंस्ट्रक्शन की जॉब, और कंस्ट्रक्शन की जॉब में ही लोग जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर अर्न करते हैं। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, और अगर हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।